हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप यू गाइस डूइंग वेल। एंड आज मैं करने वाली हूँ डॉट एंड पी का विटामिन सी सुपर ब्राइट सनस्क्रीन का रिव्यू, जो कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर रिव्यू होने वाला है। तो वीडियो को एंटर देगा विदाउट एनी स्किप। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है। एंड इंग्रेडिएंट की बात करें तो विटामिन सी है इसमें, जो कि आपके डलनेस डार्क स्पॉट को कवर करेगा। एंड इसमें है सिसिलियन ब्लड ऑरेंज, जो आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा, आपके ओपन पोर्स वगैरह उसको भी ये हाइड करेगा। एंड विटामिन ई है इसमें, इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है विटामिन ई। अब प्रोडक्ट के बेनिफिट की बात करते हैं। ये आपके डार्क स्पॉट को कवर करेगा, डार्क स्पॉट हो रहे हैं उसको रिमूव करेगा, लाइट करेगा, आपके स्किन के टेक्सचर को भी बहुत ज़्यादा स्मूथ करेगा। अल्ट्रा वॉलेट प्रोटेक्शन है एंड नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है। टोनिंग को भी इवेंट करेगा, यानी आपके कहीं कहीं से चेहरा ब्लैक हो रहा है तो उसको भी ये इक्वल करेगा, जो आपका रियल फेस है, रियल स्किन थी। एंड आपके फेस पर ग्लो लाने का भी काम करता है। आर्टिफिशियल कलर कोई भी यूज़ नहीं किए गए हैं इसमें, ना कोई एसेंशियल ऑयल है जिससे कि आपके चेहरे पर पिंपल्स आने की वजह एसेंशियल ऑयल ही होता है, जो मोस्टली सनस्क्रीन में आजकल यूज़ किया जा रहा है। एंड नॉन स्टिकी है, नॉन कॉमेडोजेनिक मैंने बता दिया है। एंड लाइट वेट है इसका, फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है, नो वाइट कास्ट एंड क्विक एब्जॉर्ब होने वाला प्रोडक्ट है। आप इसे आराम से दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं। और मैं करने वाली हूँ डॉक्टर शेत की हल्दी एंड हाइलोरिक एसिड सनस्क्रीन, जो कि एक ज़बरदस्त रिव्यू होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम इंग्रेडिएंट के बारे में। इसमें है 1% हाइलोरोनिक एसिड, जो कि आपकी स्किन को इम्प्रूव और हेल्थी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करता है। और जैसे आपके चेहरे पर एक्नी वगैरह के स्कार्स हो जाते हैं, भी खुद ऐसी करती हूं। और थर्ड वन इसमें बात करें तो मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक फिल्टर्स हैं इसके अंदर, जो कि आपके यूवी रेज वगैरह होते हैं ब्लू लाइट, उससे आपको प्रोटेक्शन देगा। यानी कि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाली सनस्क्रीन मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इसका टेक्सचर है थोड़ा येलो सा, क्योंकि इस पर हल्दी है और थिक है। आप ऑल टाइप स्किन आराम से यूज़ कर सकते हैं इसे दिन में आप दो बार लगाएं, एक मॉर्निंग के वक्त और 2 से 3 घंटे बाद इसे दोबारा अप्लाई करें। अपनी दोनों फिंगर पर इसे अप्लाई करना है, उसके बाद अपने फेस ओवरऑल फेस पर लगाएं, नेक पर लगाएं और ईयर्स पर आप इसे लगा सकते हैं। रीअप्लाई मैंने बता दिया, एवरी 2-3 आवर्स में आपको इसे रिप्लाई करना है। मॉर्निंग के टाइम सन एक्सपोजर ज़्यादा स्टार्ट होता है तो उससे पहले आपको इसे लगानी है। ये सुटेबल है फॉर ऑल स्किन टाइप, जी हाँ, इसे आराम से कोई भी यूज़ कर सकता है। और मैंने सबसे पहले सेरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन ली थी, जो कि एक थोड़ा लाइट इफेक्ट देती थी स्किन पर, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। और इसका मॉइस्चराइजर भी काफ़ी अच्छा है, और आप इसमें ना कोई भी वाइट कास्ट नहीं है, आराम से आप इसे लगाएं और ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कुछ और फाउंडेशन या कुछ लगा लिया, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं देगी कास्ट, जो वाइट कास्ट होता है उस टाइप का। नॉर्मली ये क्रीम बेस है और इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। हल्की फुल्की इसकी ऑयली कंसिस्टेंसी इसमें है तो ज़्यादा नहीं है, तो वो ग्लो का काम करेगी। जब भी आप इसे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा ग्लो देती है और हाइड्रेट आपकी स्किन को करती है। और धीरे धीरे मेरे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, और जब भी मैं वेयर करती हूँ तो मैं आराम से इसे ऐसी चली जाती हूँ, मुझे कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लड़के भी इसे आराम से लगा सकते हैं, और लड़कियाँ तो लगा ही सकती हैं, ठीक है। लोशन लाइक इसकी कंसिस्टेंसी आराम से अप्लाई हो जाती है, नॉन स्टिकी है, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है। प्रेगनेंसी में भी ये सेफ है पूरी तरीके से। ऑलवेज हमेशा ना एक पैच जरूर ट्राई करें अपनी स्किन पे, यानी लगा के देखें कि आप इरिटेशन तो नहीं हो रही, वैसे तो मुझे लगता होगी इससे, ठीक है। तो जब भी आपको अप्लाई करनी है तो उससे पहले अपना पैच टेस्ट करें। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय।